वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इस वर्ष का बजट किया प्रस्तुत। गांव, गरीब और किसान को बनाया गया है केंद्र बिंदु। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5 वर्ष में 125,000 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन 80,000 करोड़ से अधिक की राशि से करने का प्रावधान। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 81,00,000 आवासीय इकाइयां मंजूर की गईं। 2022 तक सभी परिवारों को अपना घर देने का लक्ष्य है। छोटे और मझोले उद्योगों के लिए 59 मिनट में 1 करोड़ रुपए तक की ऋण मंजूरी देने का है प्रावधान। हाउसिंग लोन के ब्याज पर 3.5 लाख रुपए की टैक्स छूट। पैन कार्ड नहीं होने पर आधार कार्ड से भी भरा जा सकेगा इनकम टैक्स। भारत के अंतरिक्ष अभियानों को आगे बढ़ाने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन। हर घर जल योजना के लिए राष्ट्रीय ग्रिड भी बनेगा। 1.5 करोड़ रुपए वार्षिक कारोबार तक के व्यापारियों को प्रधानमंत्री मान धन योजना में पेंशन देने का हुआ ऐलान। रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया जाएगा। अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग देगी इंडोनेशिया व इथोपिया में हुए 737 मैक्स विमान हादसों के पीड़ित परिवारों की मदद के लिए $10 करोड़ की रकम। इन हादसों में 346 लोगों की हुई थी मौत। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चीन दौरे में प्रधानमंत्री ली कछुआंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद 9 समझौतों पर किए हस्ताक्षर। अब खबरें खेल जगत से। क्रिकेट विश्व कप में वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को हराया। अफगान टीम के इकराम अली ने 80 रन से अधिक का स्कोर सबसे कम उम्र में बनाकर सचिन तेंदुलकर का तोड़ा रिकॉर्ड। आज विश्व कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अहम मुकाबला। नतीजे पर रहेंगी सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें।